डिवाइन डेजी काउंसलर चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक गाइडेड ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे। एक छोटी सी बात, अगर आप माता पिता हैं और अगर आप माता पिता नहीं भी हैं तो आपने किसी न किसी के लिए तो अपनी ज़िंदगी में कुछ किया होगा, छोटा बड़ा, कुछ खरीद के देना, कुछ बना के खिलाना, कुछ लेके देना, एक चेयर ही रख देना। कभी ऐसे इंसान भी हमें मिलते हैं जो हम उनके लिए जो कुछ भी करें कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते, थैंकफुल नहीं होते। हम सोचते हैं इनके लिए और हम क्या करें कि ये खुश हो। जीवन में थैंकफुल होना कितना ज़रूरी है। अब वो जो अनग्रेटफुल इंसान है जिन्होंने आपके प्रति थैंकफुलनेस नहीं दिखाई, चाहे आपने उनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया, बहुत सारा प्यार दिया या छोटी सी छोटी चीज़ की, अपने आप को उस इंसान की जगह रखिए और जो ये सब करने वाला है उसकी जगह भगवान जी को रखिए, अपने खुदा को रखिए। आप उस ब्रह्मांड की परमात्मा शक्ति को जिस भी नाम से पहचानते हैं, आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे रखिए। उसने हमें क्या कुछ नहीं दिया, हमारे लिए ये दिन उगता है, चांद आता है, हमें रोशनी, ये प्रकाश, ये हवा ऐसे ही मिलती है, ये सांस से बस आती ही रहती है और हम सपने देखते रहते हैं। कभी रुक के सोचा कि उसने क्या कुछ नहीं दिया, बस यही सोचा कि उसने क्या नहीं दिया, ये ठीक नहीं है। दोस्तों, जीवन में संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है जो आपके पास है, और संतुष्ट वही है जो खुश है। कभी आपने खुश इंसान को देखा है? कौन है खुश? जिसको आपने बड़े से करोड़ों के बंगले में देखा, मर्सिडीज में घूमते हुए देखा, जिसके आगे पीछे नौकर घूमते हैं, जिसके पास बहुत अच्छी पोजीशन है, उनको हमेशा खुश देखा क्या? मैंने तो जीवन में बहुत सारे अनुभव किए हैं। मैंने एक सबसे खुश इंसान को अपनी झोपड़ी के अंदर अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से दिवाली की रात खाना खाते हुए देखा था। उससे खुश परिवार मैंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने बस दो ही दिए जलाए थे, वो मिर्ची और रोटी खा रहे थे और उनकी आँख में जो चमक थी, जितने वो खुश थे, आपको लगता होगा कि मैं बस भावनाओं में बह रही हूँ। नहीं दोस्तों, वही ऐसा कोई इंसान जिसके पास दुनिया की सारी नेमतें हैं, सारी मटेरियलिस्टिक खुशी है, लेकिन उसकी आँख में चमक नहीं होती, उसके दिल में खुशी नहीं होती, उसके चेहरे के ऊपर नूर नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में थैंकफुलनेस नहीं होती, वो संतुष्ट नहीं होते। आज हम ये गाइडेड मेडिटेशन इसीलिए सुनेंगे ताकि हम वो हर एक चीज़ के लिए परमात्मा को, इस ब्रह्मांड को, खुदा को शुक्रिया अदा करें जो हम भूल चुके हैं कि हमें मिली है और ये गिफ्ट है और हमसे छीन भी सकती है। और ये ही बात
हमें याद करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहला सुख इंसान के शरीर का होता है, उसके मन का होता है, उसके बाद उसके जीवन में और कोई खुशी मायने रखती। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और एक पल अपने जीवन का याद कीजिए, जहाँ पे आपको खुदा ने आपकी सोच से ज़्यादा नवाजा, आपको वो चीज़ मिली जो आपने सोचा भी नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे एक से ज़्यादा पल होंगे। आपके बच्चे का जन्म लेना, आपके पिता का प्रमोशन होना, आपकी माँ का ठीक हो जाना, आपको एक नौकरी मिल जाना, आपको एक सरप्राइज पार्टी मिल जाना, आपकी किसी इवेंट के अंदर फर्स्ट रैंक आ जाना जो कभी नहीं सोचा था, जो पैसे फंस गए थे उसका कहीं से बस जब ज़रूरत थी तो वापस आ जाना। हम सब ने कुछ तो ऐसा जिया, ऐसा पाया जब हम बहुत शुक्रगुजार थे उस खुदा के। याद कीजिए वो पल। एक लंबी सांस लीजिए और उसी पल को फिर से जी के इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, भगवान को शुक्रिया कीजिए। इस दुनिया में वो खुश है जो संतुष्ट है, और वो संतुष्ट है जो ग्रेटफुल है। मैंने आज सुबह उठ के ये दिन देखा अपनी इन आँखों से। मेरे पास आँखें हैं। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो सच में इस ब्रह्मांड की ऐसी खूबसूरत रचना को अपनी इन आँखों से देख पाते हैं? बहुत सारे तो नहीं है दोस्तों, आंखें है ना, देख पाते हैं, ये वीडियो भी देख पा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। आपने इन्हीं आंखों से अपने प्यारे माता पिता को देखा, आपके जीवन साथी को, अपने बच्चों को, हर एक प्यारी सी चीज़ को इन्हीं आंखों से देखा है। इन्हीं आंखों ने आज तक आपका साथ दिया है हर पल। इससे शुक्रिया अदा करें। ये हर सुबह खुल जाती है और आप सोचते भी नहीं हैं कि इसका होना एक नेमत है। मेरी सांसें चल रही है, हर एक सांस ये पैगाम लेके आती है कि अगर ज़िंदगी है तो उम्मीद है। मेरे पास सांसें है, मेरे पास उम्मीद है। चाहे कल कुछ ठीक हुआ नहीं हुआ, चाहे मेरा दिल दुखा, लेकिन एक क्षण में मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ मेरी इन चलती हुई सांसों के लिए। वो कहते हैं ना, सन विल राइज अगेन एंड वी विल ट्राई अगेन। सूरज फिर उगेगा और हम फिर से एक और बार कोशिश करेंगे, और इस बार ज़रूर जीतेंगे। जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना खुशी ना गम। परमानेंट है तो मेरा दिल, जो परमात्मा की दी हुई सारी की सारी गिफ्ट से, इन ब्लेसिंग्स से, इन नेमतों से, ग्रेटफुलनेस से भरा हुआ है। मेरे इस शरीर का हर एक अंग एकदम
सही तरीके से काम करता है। क्या मैंने कभी इसका शुक्रिया अदा किया? मेरे नाखून, मेरे पैर, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे हाथ, मेरी स्किन, मेरा मुख, मेरे बाल, मेरे अंदर काम करने वाले छोटे छोटे अंग जो मेरे बिना जाने अपना कार्य पूरी क्षमता से करते हैं। मेरा दिल धड़कता है, मैं जो अन्न खाती हूँ वो मेरा खाना पच जाता है, मेरी रक्त वाहिनियों से पानी की तरह रक्त बहता रहता है। मैं इस क्षण परमात्मा का इस शरीर रूपी मंदिर के लिए इसकी हर एक सुंदर कार्यशैली के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पास मेरे अपने हैं, मेरे माता पिता है, मेरे जीवन साथी है, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, एक ऐसे लोगों का समूह जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, मुझे हर बात में सपोर्ट और अप्रिशिएट करते हैं। मैं परमात्मा का, भगवान का दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे इन अपनों के लिए, जिस तरह से इस धरती के ऊपर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए और मुझे प्रेम करने के लिए भगवान ने इतने प्यारे से लोग दिए हैं। मुझे समझ आता है कि मेरा परमात्मा मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरी कितनी केयर करता है। इसीलिए तो उन्होंने मुझे ऐसे लोग दिए हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। जिस धन को मैं कमाती हूँ, जिसे मेरी ज़रूरत का हर सामान और मेरी खुशी के लिए हर एक काम मैं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास मेरी ज़रूरत से ज़्यादा और सोच से बढ़कर धन है। एक भरपूर जीवन परमात्मा ने दिया है, ये मेरे प्रभु का रहमो करम है। मैं हमेशा परमात्मा से इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ और ये बोलती हूँ कि प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना। हे खुदा, जो कार्य आपको प्रिय है, आपको पसंद है, मेरे धन से वो कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति और समझ मुझे हमेशा देना। ये जिस सोच ने मुझे इस मेडिटेशन की ओर प्रेरित किया, जिस मन ने मुझे परमात्मा के लिए थैंकफुल होना सिखाया, मैं उस मन के इस सुंदर कार्य के लिए, मेरी इस सही बुद्धि के लिए ही मैं परमात्मा का आभार व्यक्त करती हूँ। संतोष, कंटेंटमेंट, आत्मसंतोष, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और जिसे ये सुकून भगवान में मिला, जिसे सुकून सिर्फ और सिर्फ अपने रब में मिला, अपने सोने रब में, अपने खुदा में मिला, उससे खुशहाल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है।
मैं अपने दिल से आभारी हूँ अपनी परमात्मा की इस सुकून के लिए। अपने आप के अंदर मुझे सुकून से भरने के लिए परमात्मा का शुक्रिया। मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए इस ब्रह्मांड की हर वो घटना जिसने मुझे भगवान से जोड़ा, मैं उसकी आभारी हूँ। चाहे मेरा दिल टूटा, चाहे मेरा कोई साथी छूटा, चाहे मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन वो हर एक परिस्थिति ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने बनाने वाले के साथ जुड़ूं, मैं अपने भगवान के साथ जुड़ूं। तो मैं उन परिस्थितियों का शुक्रिया अदा क्यों ना करूं? मैं तो उसके लिए भी शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उसी ने तो मुझे मेरे भगवान से जोड़ा। ये दुनिया ने ही तो मुझे दिखाया कि ये दुनिया मेरी नहीं है, वो भगवान मेरा है। और अगर वो मेरे है तो मेरे जीवन में सब कुछ है। हर एक इंसान का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मेरे भगवान से जोड़ा। चाहे क्षण भर के लिए उन्होंने मुझे दुख भी दिया, मैं अपने आप को सबसे भाग्यशाली, खुशहाल और शांत आत्मा समझती हूँ। इस थैंकफुलनेस से, इस ग्रेटफुलनेस से, इस ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड से मैं अपना हर क्षण, हर दिन प्रभु प्रेम में व्यतीत करती हूँ। हर क्षण मुझे परमात्मा की गिफ्ट लगता है। आने वाला पल भी और गुजरे हुए वो हर एक पल, जो चाहे खुशी से भरे थे या क्षणिक गम से, किसी ने मुझे कुछ सिखाया, किसी ने मुझे कुछ दिया, और आने वाला कल मुझे उम्मीद और खुशियों से भर देगा। मैं एक क्षण के लिए, बीते हुए क्षण के लिए और आने वाले क्षण के लिए अपना दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हाँ, मैं हूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हाँ, मैं हूँ।